Noor Jahan, who has been involved in Indian and Pakistani films for over 5 decades, acting and singing her way into the hearts of millions. Madam, welcome to the program. Thank you very much. How did you first start singing? When did music enter your life? Music came into my life. How did it come? जब मैं दुनिया में आई हूँ मुझे ऐसा लगा जब 3-4 साल की उम्र में तो मैं गाती थी और जिसका भी सुनती थी फौरन कॉपी करती थी और वैसा ही कर डालती थी जैसा उन्होंने किया। वो जाके बड़े बड़े गाने वाले बड़ी बड़ी गायिका जैसे बीबी मुख्तार बेगम और अख्तरी बाई, उनके रिकॉर्ड्स जब हमने सुने, बहुत छोटी उम्र में हमारे पोपीजाद भाई तो बोले आए, तो हमने वैसे ही गाना शुरू कर दिया। तो इसी से लोगों ने कहा हमारे अब्बू को कि इन्हें गाना सिखलवाइए, इनके टैलेंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, ये बच्ची होनहार है। तो 6 बरस की उम्र से हमें गंडा बंद शागिर्द जो जिसे कहते हैं, जैसे सोचिए कि वो एक गंडा बांधते हैं और बाकायदगी से उस्ताद से सीखा जाता है, तो उस तरह फिर सिखाना शुरू किया। उससे पहले तो हमें अल्लाह नहीं दिया कि हम गाते थे, पता नहीं कैसे गाते थे। So when did you first start singing publicly? Public life में हम 6 बरस के थे जब कलकत्ता हम लोग सारे हमारे फैमिली पूरी चली गई, भाई बहन वालिदैन। तो वहाँ पर एक पिक्चर बनती थी, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडियो था राय बहादुर करनानी का और उनकी बेगम थी कज्जन बीबी, वो भी काम करती थी। तो उन्होंने हमें बेटी की तरह समझा और मैं 6 बरस की थी जब हमें बिठा दिया, शूटिंग हो रही थी तो एक पलंग पे वो एक पिंडवी कुड़ी करके नाम की पिक्चर थी। मैंने कहा मैनु भी गवाओ, तुसी भी, मैं क्यों बैठी हैं, सारी खिलौतियाँ मैनु ही गवाओ, मैंने जिद की। तो उन्होंने पलंग पे बिठा के ऐसे एक डब्बा लाइट मुझ पर डाल के कैमरा, कोई टूटा फूटा पुराना कैमरा रख दिया। पहले उन्होंने थोड़ा सा मेरा गाना पिक्चराइज किया जो लगाया भी, और उसके बाद मैं रोई कि भाई मुझे तो गाना है, अभी आप लोग बंद ना करें। तो उन्होंने फिर वो डमी लाइट और कैमरा लगा दी, गाती रहो बच्चा, फिर मैं उठ के नाचूं भी गाऊं भी, अपनी मर्जी से जो करती रही। वो मेरी पहली पिक्चर थी, उसमें फिर सबने लाइक किया, फिर वहीं पर हम रहे 3-4 साल। उसके बाद हम लोग आए तो वहाँ पर मैंने 3-4 पिक्चर में काम किया, नूर इरम और फ़ख्र इस्लाम, तो बच्ची बचपन का रोल, एक हीर रांझा ससी पुनू, ये जो अभी सबिया बीबी हैं इनकी वालिदा ने काम किया था हीर, और तो मैं बचपन का रोल किया था मैंने 7-8 साल की उम्र में। उसमें जो मैंने गाना गाया था सादा देसा अंदर देश पंजाब नहीं सही हो एदी गुडी आसमान से चढ़ जाए, तो वो मैंने गाना गाया, वो मशहूर हो गया। उस वक्त तो पाकिस्तान अलग नहीं था, तो बहुत नाम हुआ उसमें। ये मुझे उस वक्त बेबी नूर जहाँ कहते थे तो बड़ा मशहूर हुआ, तब से मुझे सारे लोग जाने लग गए बेबी नूर जहाँ के नाम से। फिर हम लोग लाहौर आ गए, ये जी 40 की बात है, हम लोग यहाँ आ गए। फिर 42 में हम लोग कलकत्ता दोबारा बॉम्बे चले गए, शादी हो गई। Which was the last film that you made in India before moving to Pakistan? मेरी आखिरी फिल्म थी वहाँ मिर्जा साहिबा। Do you think of Mehboob Khan? Mehboob Khan साहब, हमने उनकी पिक्चर में काम किया था अनमोल घड़ी में, बाजी ने पहली बार साड़ी मुझे सरदार अख्तर बाजी ने पहनाई, उन्हीं से मैंने First to sing Faiz Ahmed Faiz's poem, मुझसे पहली सी, Do you remember that? जी, ये मेरी अपनी धुन है। जब मैंने पढ़ा, मैंने अर्ज किया ना मुझे शेर व शायरी से बचपन से शौक था, तो जब मैंने पढ़ा तो इसकी धुन हमने खुद बनाई। फिर ये मैं जब चंद लोगों ने मुझसे आके कहा कि ये मोहम्मद अली जिना साहब के उसमें हम चैरिटी शो कर रहे हैं और हमें 6 लाख की टिकटें बेच दी, उस वक्त 6 लाख बहुत ज़्यादा होता था, ये 55 की 56 की बात है। तो मैंने कहा अच्छा मैं गाऊँगी। वहाँ जब हम स्टेज पे गए तो मैंने लिस्ट दे दी कि 6-7-10 गाने जो मैंने गाने वो ये ले लो, उनकी रिहर्सल भी कर ली। एंड टाइम पे पता चला जी ये आप नज्म नहीं गाएंगे। मैं तो हैरान हो गई, मेरी तो उस वक्त बहुत ही पसंदीदा नज्म थी ये, और तई नहीं मैंने उसकी धुन बनाई थी। मैंने कहा जी नहीं, ये तो नहीं, मैं नहीं करूँगी, ऐसे तो होगा नहीं। फिर कुछ बहुत बड़े अफसरान थे
इनका नाम बेकार है। उन्होंने कहा कि जी नहीं ये फिर नहीं होगा। तो मैंने कहा तो फिर शो ही नहीं होगा, मैं तो घर जाती हूँ। मैंने कौन से आपसे पैसे लिए, मैं तो अपने मुल्क के लिए गा रही हूँ कि भी चैरिटी है। फिर उनको सबों ने समझाया कि थोड़ा सा इसका भेजा ये दिए करने दी। आखिर क्या भेजा, अब वो उन दिनों भाई साहब जेल में थे तो कुछ झगड़ा था। मैं गाई फिर इतनी मकबूल हुई उसी दिन ये नज्म, बहुत फर्स्ट टाइम लोगों ने सुनी, पूरी पब्लिक उठ के खड़ी हो गई, इतनी अच्छी लगी सबको। मैं चली गई गा के। उसके बाद दो तीन दिन बाद मुझे रात को 2 बजे के करीब या 1 बजे फैज साहब मेरे घर आए, और मैं तो करीब करीब सोने वाली थी तो पता चला उन्होंने कहा जी फैज आए हैं। मैंने कहा भी कौन है फैज, पता नहीं कौन है। उन्होंने कहा जी फैज अहमद फैज। ओहो, मैं तो न दुपट्टा सर पे न पाँव में जूती भागी बाहर। जाके मैंने बाहर देखा तो एक शख्स को पहली दफा देखना तो जरूरत तो नहीं होती कि मैं उसको गले लगा लूँ, इतना मुझे उनका कलाम। वैसे जहनी तौर पे उनके कलाम के तो हम आशिक थे, हमने शक्ल तो देखी नहीं। तो वही कहती हूँ ना कि एक आर्टिस्ट के जहन में एक महल होता है खूबसूरत जिसमें कोई शहजादा होता है, और इसी तरह गर्मठ को देखो तो वो भी किसी घर है तो वो सोचता है इसमें कोई नीयत का सवाल नहीं पैदा होता कि बुरी है, अमूमन अच्छी होती है। उन्होंने मुझे देखा तो दरवाजा खुला होता ना तो फैज साहब ने मुझे गले लगा लिया, मैंने भी उन्हें गले लगाया। मैंने उन्हें कहा आइए घर आइए। कहते भाई मैं आपसे सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आप इतनी ऊंची हस्ती हैं जिन्होंने इतना मुकाबला करने की तुम्हें यानी हिम्मत है कि आपने सबका मुकाबले करना था ना गवर्नमेंट का। कहने जी मैं तो नहीं गाऊंगी, कुछ हो जाए मैं यही गाऊंगी, तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, शुक्रिया करने। फिर उसके बाद कई मुशायरे में फैज साहब से कहा गया कि आप वो नज्म सुनाइए, तो वो फरमाते थे कि ये नज्म नूरजहाँ की है, यह अब उन्हीं के नाम से मंसूब है और अब मैं नहीं इसे पढ़ूंगा, वही पढ़ेंगे वही गाएंगे। तो वो उन्होंने इसे अपने मुशायरों में पढ़ना छोड़ दिया था। कहते थे नहीं नूरजहाँ अब बड़ा दुख है, अब अक्सर मैं उनका कलाम पढ़ के रो पड़ती हूँ कि कितनी बदनसीबी है कि हम कर सकते थे मिल सकते थे, और अपने काश अब मैं कहती हूँ जिंदा होते मैं गाने ही छोड़ देती। जब वो कहते हम बड़ी बड़ी महफिलें वो मिलते थे सब दोस्तों से, हम नहीं जा पाते थे। बस इसी तरह इंसान ज़िंदगी में बहुत भूल करता ही जाता है। वो कहते हैं ना याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। क्यों बात की, मुझे तो बहुत कलाम बहुत पसंद है। एक शेर मुझे और बहुत पसंद है कि वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, ये कुछ बेवफा लोगों की कुछ बेवफाई पे लोगों की याद आया कि वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, अब जो तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है, अब जाता ही नहीं दीवार पे आके बैठा। Have you ever had to struggle to sing other songs? नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है मुझे जिंदगी में, तो जी अब तक मुकाबले ही चल रहे हैं। कोई लोग भी ऐसे जो देखे अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं। वैसे भी मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि मैं किसी के साथ बुरी नहीं। मगर दुनिया, जैसे आपने अभी फरमाया कि दुनिया है, ये तो दुनिया ही है ना, इसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जब हम किसी से बुराई नहीं करते तो मैं तवक्कु नहीं करती, मगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिल्ला ही बोझ होता है किसी से, अल्लाह की तरफ से उसे यह कि ये नहीं होना चाहिए शख्स। तो उन लोगों को मैं ये कहती हूँ खुदा समझे मैं किसी से क्या मुकाबला करूँ, मैं बहुत पुरसकून हूँ। Which are the singers do you admire most? बीबी खैर वो अख्तरी भाई तो बुजुर्ग थी, उनको हमने सुना, बहुत अच्छे लोग थे। उनके अपना अंदाज था अछूता, वो बहुत कम पाया जाता है, उन्हीं का हक था। बाकी मुख्तार बीबी को सुना, उन्हें मैं बहुत प्यार भी वैसे बहुत करती थी मैं, और उन्हें हमने बचपन में देखा भी। वो स्टेज पे जब आती थी तो हम कहते थे कि हम भी बड़े होके ऐसी वाइट और सिल्वर साड़ी पे काम करा के पहनेंगे, हम ऐसे खड़े होके गाएंगे, कोई आइडियल बन जाता है। वो मेरी आइडियल बनी, अल्लाह उन्हें करी रहमत करे। अब रहा ये लता जी का, तो लता जी
लोग कहते हैं भाई तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मुझे तरन्नुम का प्रोग्राम पिछले दिनों मेरे इन्होंने 13 प्रोग्राम किए, हर प्रोग्राम में 4 गाने, इट मीन्स के 52 सॉन्ग्स मैंने नए रिकॉर्ड करवाए जो कि पुरानी पिक्चरों में थे, और उसको फिर दोबारा रिकॉर्ड करा के पिक्चराइज कराए। उनमें एक गजल ये थी नजरत मोहम्मद साहब ने, भाई है मेरे, उन्होंने इसकी धुन बनाई, बहुत खूबसूरत धुनें बनाते हैं, और तरन्नुम में काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनाई। दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम, और सहे गम दूर ही दूर, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम, और सहे गम दूर ही दूर, तुमसे कौन सी आस बंधी थी, तुमसे रहे हम दूर ही दूर, तुमसे तो दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम। इस तरह से थी, मुझे ये गजल बहुत पसंद है, उसमें और भी गजलें बहुत अच्छी थी। तो इसी तरह अब हम फिर दोबारा कर रहे हैं, टीवी पे शुरू हुआ है नई सीरीज, एक हुए कुछ 7-8 गाने, गजलें भी गाई, इंशाल्लाह आएगा। What do you think of the new trends in music in India and Pakistan? ओहो, इतना जोर से वो धमाके से म्यूजिक बजता है कि आप यकीन करें मैं खाना नहीं खाती, और मैं बच्चों को कहती हूँ बेटे मेरा दिल धड़क रहा है, देखो मेरे हार्ट की मैं मरीजा हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए, म्यूजिक बड़ा धम धम, वो जब बेस में बजाते हैं यकीन कीजिए मेरे दिल में धमाका शुरू हो जाता है। उफ, ये तो म्यूजिक है, ये क्या म्यूजिक है, ये तो बंदे डराने वाला म्यूजिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के तो रिकॉर्डिंग और होती थी, जब से गए पिया भेजी नहीं पतियाँ खुर्शीद साहब का, या और सॉफ्ट म्यूजिक कहते थे गली गली मंडलाए भंवरा, या मास्टर नैर साहब का है, मास्टर गुलाम हैदर साहब जिन्होंने मुझे माइक पे खड़ा किया। वैसे तो मैंने क्लासिकल गुलाम मोहम्मद साहब से सीखा जो मेरे उस्ताद हैं, मगर मैंने ये माइक के सामने खड़े होकर पहली बार जो आवाज़ लगाई है गुलबकौली फिल्म में, आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड यहाँ लाहौर में, तो वो था शाला जवानियाँ माने, उसकी एक तान जो उठती थी ना, शाला जवानियाँ माने, शाला जवानियाँ माने, अखाना मोड़ी पीले, अखाना मोड़ी पीले पीले, इस टाइप से था। तो उसी से इंडिया पाकिस्तान में अल्लाह ने नाम दिया, तो उनसे भी गाना वो और तरह के मजे। अब आजकल तो माशाल्लाह वो तबला खड़काते हैं कि मालूम होता है थाली परात भी बजा देंगे हम इसी में उस लड़की को जो नाच रही है ना, उसे हम गिरा देंगे नचा नचा के। अब आजकल की बच्चियां जो है ना, मैं बच्चियों से भी माजरत के साथ कहूँगी, वो लोग जान मार कर क्लासिकल नहीं सीखती, जिसकी वजह है कि वो लाइट अच्छा नहीं गा सकती। अगर वो क्लासिकल सीखेंगी तो लाइट उन्हें ऐसा ही लाइट लगेगा जैसा कि कुछ है ही नहीं। जैसे हम दिन में 3 गाने रिकॉर्ड करते हैं, हमें मालूम होता है ये गाना हमने गाया हुआ है, एवरीथिंग इज ईजी फॉर मी, ऐसा लगता है ना। मगर जब आप बुनियाद कच्ची है तो वजन डालते हैं, जब घर बनाते हैं तो गिर पड़ता है, वो जब बना लेती हैं बेचारी गाना सीखती है तो नहीं रहते। मगर अब यह है कि चूँकि दुनिया में अब चल रहा है तो इसको चला नहीं दीजिए जिस रविश पे चल रहा है। अल्लाह ने भी फरमाया ना, वहीं चलो, शेर भी है किसी का, चले चलो जान दुनिया में जैसा जो हवा चले। तो इसलिए यूँ ठीक है कि जहाँ तक गाने का सवाल है,
किसी मुल्क का गाना हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो कोई बर्मीज गाना हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, उसमें आवाज जो निकालनी है आपने वो सही निकालेंगे तो गाना कामयाब है। और जब तक आपको नहीं आएगा तो आप किसी मुल्क का गाना सही नहीं गा सकते। बुनियाद तो ये है ना, आप इसमें कोई वो नहीं, बुनियाद सही होनी चाहिए, मेरा ये मकसद है। You've already chosen one song. Can we talk about the next song that you've chosen? One of your own songs. देखिए मुझे तो बहुत सारे गाने, जैसे अब माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, मुझे भी हर आर्टिस्ट को इसी तरह होता है, मेरा चुनना बहुत मुश्किल है। ये इंतजार का गाना है मेरा, चांद हंसे। Do you think it's a good idea for artists to marry? मुझे पता होता तो मैं पहले कभी ना करती, मगर अब तो जब अल्लाह ने बच्चे दिए तो मैं कहती हूँ ज़रूर करना चाहिए। एक भी कितना बड़ा मेरी माशाल्लाह चार बेटियाँ, दो बेटे हैं, तो बेटों से भी, और मेरे तो बेटे भी मुझे बेटियों की तरह प्यार करते हैं, सच्ची बात। और बेटियाँ जो हैं वो तो एक नेमत हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं, बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो मैं कहती हूँ वाकई अच्छा ही हुआ, चलो शादी हो गई तो बच्चे आ गए, वरना एक आर्टिस्ट का उसके बाद देखिए, हमने यही समझा कि गाना अपनी जगह है। देखिए जो वो उसका अपना मकाम है, जो गाना है वो, मेरा कभी गला ख़राब हो जाए, ये बात सुनने वाली, जब मेरा गला ख़राब हो जाए ना तो मेरा इतना मूड ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सब खुशियाँ मुझसे रूठ गई हैं, गला ख़राब हो जाए बस। अभी पिछले दिनों मेरी खांसी थी ना, तो मैं हर वक्त, मुझे रोना आता था, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता था मिलते हुए, क्योंकि मैं यही रो के दुआ भी अल्लाह से मांगती थी कि या अल्लाह मेरा ये अच्छा रखो, और मुझे अपनी औलाद की तरह ये मेरा गला मुझे प्यारा है, मेरे बच्चों की तरह। आपको मालूम है माँ को कितने बच्चे प्यारे होते हैं, उस तरह मुझे ये मेरा, मेरी आवाज़, मेरा गला मुझे प्यारा लगता है। कोई भी मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है, मैं ना किसी से बात करती हूँ ना मिलती हूँ, जितने दिन मेरा गला ख़राब रहता है मैं बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। अब जब ठीक हो जाती हूँ, गाने पे जाती हूँ, देन आई बिकम वेरी हैप्पी। ये गाना मेरा जब शुरू, ये कोई मेरा वो नहीं रह के कि मुझे पैसा ही मिलेगा या कुछ ऐसा ही, ठीक है मिलता है मेहनत का तो सब, मगर मुझे वैसे ही बस इश्क जैसे समझती हूँ कि ये मेरी रूह है, बस अल्लाह ताला का करम चाहती हूँ, हर वक्त गाती रहूँ। हमने तो गाने को बहुत प्यार किया, और नंबर दो अपने बच्चों को, शायद इसलिए मियाँ भाग गया मेरा। सॉरी टीना, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर। नहीं सच्चाई है ना कुछ थोड़ी सी, वो भी अपनी जगह सच्चे होंगे, अभी टाइम ज़्यादा हमें नहीं थे, हम तो गाने के साथ समझते हैं, गाने नहीं, एक तरह से मैं गाने को अपना शौहर समझ बैठी हूँ। ये वो है, देखिए शौहर पालते हैं, संभालते हैं, इकोनॉमिकली भी, यानी पैसा भी वही देते हैं, मगर हमें नहीं किसी ने दिया, हमने यही काम किया, मगर जब हमें कोई तकलीफ हुई हमने गाया तो हमें अल्लाह ने लाखों दिए, तो यही मेरा शौहर है जिसने हमें, जिसकी वजह से हमने कमाया, इसी की वजह से मेरी इज्जत हुई, इसी की वजह से मुझे पाकिस्तान जानता है। Among the actors that you've worked with, who do you admire? एक्टर सारे ही अच्छे हैं जी, दिलीप कुमार साहब का तो जवाब ही नहीं है, प्राण साहब भी बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे इन्हीं के साथ काम ज़्यादा। प्राण, मैं जब पहली हीरोइन बनी हूँ तो एक पाल साहब थे, और खानदान में मेरा पहला हीरो प्राण थे, तो उसके हिसाब से तो इज्जत तो बहुत हम करते हैं उनकी, मगर अब यह है कि मेरे दरअसल ये एक्टिंग मुझे गाने से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने कभी ज़्यादा इसको क्या तरजीह नहीं दी। Do you think classical music will disappear from this country? इस तरह तो ख़त्म हो जाएगी अनकरीब, जो हालात हैं वो, उसमें ये वजह है कि ना तो कोई यहाँ अकेडमीज हैं, ना कोई उसको पालता नहीं ना उस चीज़ को, कोई उस्ताद, जो उस्ताद रह गए हैं काफ़ी मर गए हैं, जो पुराने रह गए हैं जिन्हें आता है इल्म, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि गुर्बत इतनी है कि उनके घरों में रोटी भी नहीं, तो इस तरह वो पल सकते थे कि एक अकेडमी होती, उनको हज़ारों तनख्वाहें मिलती हैं, उनके बच्चों की शादियाँ हो, तो आपको पता है सबसे बड़ी तकलीफ़ दुनिया में गुर्बत है, कि आप कुछ खाना चाहें आपको ना मिले। तो मैंने भी बल्कि कई दफ़ा ये चाहता है अकेडमी हो,
मगर अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती इस मुल्क में। एक दफ़ा चाहता हॉस्पिटल बना लूँ तो शुक्र है इमरान खान ने तो बनाया, हम समझते हैं वही हमने भी कोशिश की, हमारी भी है उसमें। उसमें मेरा हुआ था पहला शो, दूसरा भी हुआ बगैर मुआवजे के। मैं गाती हूँ और मैं अभी भी कहती हूँ कि वो और भी करेंगे शो तो इंशाल्लाह मैं करूँगी, यहाँ तक ये तो नेक काम है। You made a lot of sacrifices in your life to get to where you are. Was it worth it? कोई भी इंसान बगैर कुर्बानियों के, काबिशों के बगैर तो नहीं किसी मकाम पे पहुंचता, और उसका सिला मिल जाए तो बहुत खुशनसीबी। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता, मुझ पर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मैं ही समझती हूँ कि मुझसे मेरे अल्लाह ने कुछ नहीं छुपाया, सारी खुशियाँ मुझे।